आजम खान ने 10 बॉल पे 30 रन बनाए। आजम खान की वो ताबड़तोड़ पारी के चलते 10 गेंद में आजम खान ने भी 30 नॉट आउट बनाए 10 गेंदों में। हाँ जी, 4 छक्के 1 चौका, बूंदियां उड़ाती हैं। नहीं, ये बंदा जिस तरीके से बैटिंग करता है भाई, बॉल को जो ऐसा लगता है फाड़ के रख देगा। उसका नाम है आजम खान। यार बहुत खूबसूरत है और बहुत खतरनाक भी है। जो पाकिस्तान वाले होंगे उन्हें खूबसूरत लग रहा होगा, जो विरोधी होंगे, जो ऑपोजिशन में होंगे, उन्हें खतरनाक लग रहा होगा। जिस बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत अच्छे शॉट्स है आजम खान के पास, लेकिन आजम खान का बिग फ्लॉप आपको देखने को मिला, 30 रन 10 बॉलों में 4 छक्के 1 चौके। तो भाई अब सीरीज आपकी बराबर हो गई है। फिर आजम खान आए, 10 गेंदों में आजम खान ने 30 रन बनाए हैं, 1 चौका 4 छक्के लगाए हैं, और मैं आपको बता दूं 300 का स्ट्राइक रेट था उनका। और इस जबकि आजम खान ने 10 गेंदों पर 30 रनों के तूफानी पारी खेल पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों आज वो तमाम लोग काफी खुश होंगे पाकिस्तान में जो आजम खान को बैक कर रहे थे, क्योंकि आजम खान ने लगातार 3 छक्के मारे हैं। इस और स्ट्राइक रेट से भी बढ़िया बात है, जिस फ्री फ्लो अंदाज में खेला है आज, जिस तरीके से आजम खान ने खेला है, आजम खान ने यार महफिल लूट लिया इस बार। इस मैच में पाकिस्तान ने 15 छक्के मारे हैं, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है। चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। रात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए आयरलैंड को शिकस्त, जिसके अहम किरदार रहे फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और आजम खान। आजम खान के शानदार छक्कों ने भारतीय मीडिया पर सहर तारी कर दिया और एक जबरदस्त भारी आई। आजम खान के हवाले से हम देखेंगे भारतीय मीडिया मजीद क्या कुछ कह रहा है, तो आइए हम चलेंगे वीडियो की। आजम खान की वो ताबड़तोड़ पारी के चलते ये मैच वो जीत गया। हालांकि इस मैच के बाद सवाल ये भी है कि क्या ओपनर जो है वो चेंज होने चाहिए, क्योंकि फखर जमान ने पावर प्ले में आज जब खेला तो उसके बाद जो रन रेट दिखाई पड़ा वो समझ में आया कि यार फखर जमान इज अ फुल टाइम ओपनर। आज वो तमाम लोग काफी खुश होंगे पाकिस्तान में जो आजम खान को बैक कर रहे थे, क्योंकि आजम खान ने लगातार 3 छक्के मारे हैं, लगातार 3 छक्के। वो आए पहली बॉल पे सिंगल, फिर छक्का, फिर 3 डॉट बॉल, फिर चौका, फिर सिंगल और आखिर में 3 छक्के और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। आजम खान ने 10 बॉल पे 30 रन बनाए। लोगों को लगा कि आजम खान ने आखिर 9 मैच के बाद, बिकॉज आजम खान का 9 मैच का फ्लॉप शो था, जिसके बाद ये पहला इंटरनेशनल मौका है जहां आजम ने अपना दमखम दिखाया है, जिस वजह से उनके वेट को इग्नोर करके, जिस वजह से उनके ख़राब परफॉर्मेंस को इग्नोर करके उन्हें टीम में लगातार खिलाया जा रहा था, जिस वजह से उस्मान खान जैसे खिलाड़ी को बाहर बिठा के खिलाया जा रहा था। तो आजम खान ने फाइनली पे ऑफ किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस चाहेंगे कि आगे भी वो ऐसा करें, आगे भी ऐसा अगर वो करेंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा। आजम खान की लोग तनकीद कर रहे थे, मुझे भी बहुत लगा कि यार आजम खान किस तरीके से, क्यों आ रहा है आजम खान, आप बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं लेकर आ रहे हो। इस और स्ट्राइक रेट से भी बढ़िया बात है, जिस फ्री फ्लो अंदाज में खेला है, जो अंदाज है वो कई बार आपको 30 रन दिखते हैं किसी खिलाड़ी के, 45 रन दिखते हैं, लेकिन वो अंदाज आपको बता देता है कि यार बहुत खूबसूरत है और बहुत खतरनाक भी है। जो पाकिस्तान वाले होंगे उन्हें खूबसूरत लग रहा होगा, जो विरोधी होंगे, जो ऑपोजिशन में होंगे, उन्हें खतरनाक लग रहा होगा जिस अंदाज में खेला है। बाकी लड़कों को क्यों नहीं मौका दे रहे हो? आजम खान अभी क्या उस तरीके से खेल सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान को, जिसकी जरूरत है? इरफान नियाजी को लेकर के बड़ी बातें हो रही थी, मैं जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है, मतलब एक से बढ़कर एक बल्लेबाज लग रहे हैं आज पाकिस्तान की टीम में। 300 के स्ट्राइक रेट से आजम खेल रहा है, उसके अलावा फखर जमान जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 225 रन भी बनाता, 230-240 रन, 240 भी अगर आयरलैंड आज बनाता तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी उसे चेस कर लेती और बड़े आराम से चेस कर लेती, क्योंकि जिस अंदाज में, जैसा मैंने कहा, फखर खेल रहा था, फखर आउट हो गया हालांकि 78 पे, लेकिन जिस अंदाज में फिर मोहम्मद रिजवान और उसने गेम को पलटा, दबाव में नहीं गए, ये चीज तो देखनी थी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से कि भाई ये लड़के जो है जब अंडर प्रेशर आएंगे। जैसा मैंने कहा, बल्लेबाजी बड़ी आला दर्जे की हुई है और बल्लेबाजी को देखते हुए आपको ये लगा कि इस तरीके से अगर पाकिस्तान बल्लेबाज करेगा तो इंडिया को अटेंशन रहना चाहिए। डरने की जरूरत एक खिलाड़ी से है, वो खिलाड़ी नहीं है, वो दरअसल में टैंक है, वो पाकिस्तान का तोप है, उसका नाम है आजम खान। भाई साहब आज 10 बॉल पे इसने 30 रन बनाए, 300 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के लगातार मारे, मैच फिनिश करके चला गया, टोटल 4 छक्के मारे। ये बंदा जिस तरीके से बैटिंग करता है भाई, बॉल को जो ऐसा लगता है फाड़ के रख देगा। उसका नाम है आजम खान। आज जिस तरीके से आजम खान ने खेला है भाई, फखर जमान रिजवान ने बहुत खेला है, बहुत तारीफ होनी चाहिए इनका, लेकिन आजम खान ने यार महफिल लूट लिया इस बंदे ने, लिटरली महफिल लूट ली। इतना ज़्यादा मज़ा आया ना आज आजम खान की बैट को देख के। भाई इस बंदे ने 8 इनिंग में इससे पहले कुछ 29 रन बनाए थे, 10 बॉल में 30 रन, 300 का स्ट्राइक रेट और 4 छक्के मारे हैं।
चार छक्के मारे आजम खान ने और ऐसा लग रहा था बॉल को फाड़ के रख देगा। भाई एक छक्का तो ऐसा था कि एकदम स्टेडियम पार, एकदम पता नहीं झाड़ी में कहाँ जाके घुस के आ गया, फिर नई गेंद से गेंदबाजी करनी पड़ी। मतलब इस तरीके से मारता है ये बंदा, मतलब लोग इनकी बॉडी की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, हम भी उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग फनी वे में लेते हैं, लेकिन ये हकीकत एक बात बताओ, जिस तरीके से छक्का मारने की एबिलिटी आजम खान में है, पाकिस्तान में किसी और बंदे में नहीं है एक्सेप्ट फखर जमान। भाई गजब का छक्का मारता है और आज दिल खुश करके रख दिया इस बंदे ने, दिल खुश करके रख दिया। मतलब 17 ओवर में टीम चेज कर रही है, 17 ओवर में 194 रन आप चेज कर रहे हो, और आजम खान की बेहतरीन फिनिश की बदौलत जो है पाकिस्तान ने आखिरकार सीरीज में बराबरी हासिल कर ली है। और जिस तरह की बैटिंग आज आजम खान ने की है, आजम खान के सर पे भी तलवार लटक रही थी भाई लोग, क्योंकि आजम खान को जितने मौके मिल रहे थे वो मौके भुना नहीं पा रहे थे, वो बार बार फेल हो रहे थे। बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत अच्छे शॉट्स हैं आजम खान के पास, लेकिन अगर आप बार बार फेल होंगे तो आपको कितने मौके मिलेंगे। लेकिन आज ठीक है कि फखर जमान और रिजवान ने मैच सेट कर दिया था, लगभग मैच पाकिस्तान को जितला दिया था, लेकिन मैच का फिनिश होना बाकी था और आजम खान ने आज वो काम किया है, उससे पाकिस्तान को एक फिनिशर बैटर की उम्मीद है, एक ऐसे बैटर की उम्मीद है। आजम खान में पाकिस्तान एक ऐसा बैटर देखता है जो किसी भी सिचुएशन से मैच को पलट दे, और आजम खान ने अपने रेपुटेशन के हिसाब से आज बैटिंग की, जो उनका इमेज बना हुआ है एक आक्रामक, एक सॉलिड, एक अटैकिंग बैटर की, केवल दस बॉल में एक चौका और चार छक्के। जी हाँ, मॉडर्न T20 क्रिकेट यही कहता है, एक चौका और चार छक्के, 10 बॉल में 30 रन, 300 की स्ट्राइक रेट से। मॉडर्न डे क्रिकेट क्या कहता है, आप ट्रेविस हेड को देखिए, आजम खान ने ऐसी ही बैटिंग की है, छक्के जमाए चार और चौके जमाए केवल एक, 10 बॉल पे 30 रन। तो लगा एक टाइम पर कि भाई पाकिस्तान तो गया, लेकिन फखर जमान और आपके रिजवान खान इन्होंने बचा लिया भाई, फखर जमान और रिजवान ने, वरना तो इनका भैया आज हो गया था, आज फिर पाकिस्तान हार गया था। और बड़ी बेशर्मी वाली देख लो क्या है क्या नहीं, सैम अयूब 6 रन पर आउट हो गए थे, स्ट्राइक रेट 195 का फकर का और 163 का रिजवान का, आजम खान का बिग स्लो आपको देखने को मिला, 30 रन 10 बॉलों में 4 छक्के 1 चौके। तो भाई अब सीरीज आपकी बराबर हो गई है, अब इनका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा आपका 14 तारीख को। आपका क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। तो भाई यही था कि पाकिस्तान की टीम ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है, फकर रिजवान की शानदार पारी आपको देखने को मिली है, पाक के प्लेयर्स ये फॉर्म आ जाए तो यह डेंजर। भाई पाकिस्तान की टीम अटपटी है, पता नहीं आज घटिया खेल रही है कल अच्छा खेले, एक दिन आयरलैंड से हार जाए, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इनका भाई कुछ नहीं बोल सकते इस टीम के बारे में। लेकिन मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और आजम खान ने पाकिस्तान को सीरीज हारने से बचा दिया, वो दूसरे T20 में बाबर आजम तो फ्लॉप हो गए, लेकिन पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत गई। तो तीसरे विकेट के लिए बाबर, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने 140 रन जोड़े और इन्होंने ये जो रन थे 13 ओवर में 140 रन की पार्टनरशिप आ गई। उसके बाद फखर जमान आउट हो गए, 40 गेंदों में 78 रन बना के 6 चौके 6 छक्के लगाए उन्होंने, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए 195। फिर आजम खान आए, 10 गेंदों में आजम खान ने 30 रन बनाए हैं, 1 चौका 4 छक्के लगाए, और मैं आपको बता दूँ 300 का स्ट्राइक रेट था उनका। और इस मैच में पाकिस्तान ने 15 छक्के मारे हैं, यानी कि 90 रन तो उन्होंने छक्के से बना लिए 15 गेंद। दूसरे T20 मुकाबले में रिजवान और फकर ने आयरलैंड के गेंदबाजों को रुला कर रख दिया, पाकिस्तान टीम ने पूरी आयरलैंड टीम की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने किस तरह से आयरलैंड गेंदबाजों को रुला कर रख दिया, जबकि आजम खान ने 10 गेंदों पर 30 रनों के तूफानी पारी खेल पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में 7 विकेट से जीत दिला दी।